चलो शुरू करते हैं। आप लोगों ने कुछ मेरे को डाउट्स दिए मॉड्यूल के अपने मतलब मॉड्यूलस पीपीपी के। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे रूट एक्स माइनस एक्स माइनस रूट के अंदर 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले जब भी स्क्वेयर रूट दिया हो तो आपको डोमेन चेक कर लेनी चाहिए। क्या चेक कर लेंगे? डोमेन। डोमेन के लिए क्या होता है? डोमेन के लिए क्या होता है? एक सेकंड होल्ड करना यार। हाँ, डोमेन के लिए स्क्वेयर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी जो होती है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये पे 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो x माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 10 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या पता चलेगा कि x की वैल्यू 6 और 10 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि इसको 6 को राइट में ले जाओगे तो x की वैल्यू 6 से बड़ी, इसको भी रीअरेंज करोगे तो इससे क्या पता चलेगा x की वैल्यू 10 या 10 से छोटी। तो कुल मिला के दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए कि डोमेन के लिए ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अरे 6 से बड़ा हो, ये कह रहा है 10 से छोटा हो, तो डोमेन क्या हो जाएगी? 6 से लेके 10 तक। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि कौन से इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, कौन इंटीजर इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो 6 से 10 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं? 6, 7, 8, 9 और 10। पंचों के लिए ये चेक करके पुट करके देख लो कौन से सेटिस्फाई कर रही है इसको। ये 6 को भी पुट करके आप यहाँ पे देख सकते हो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अगर जैसे 6 पुट करता हूँ मैं, 6 किया, 6 को अगर मैंने पुट किया इसके अंदर, तो 6 माइनस 6 कितना होता है? 0। और 10 माइनस 6 कितना होता है? 4। तो 10 माइनस 6 को 4 किया तो 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? बाहर का माइनस साइन। क्या माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है क्या? नहीं होता। 7, 8, 9, 10 को भी ऐसे चेक कर लो, जो जो सेटिस्फाई होता जाएगा उसको आप लोग वही आंसर के अंदर आएंगे। ये तो हो गया पेपर में करने का तरीका। अगर वो कह रहे हैं कि इंटीजर बताओ कौन कौन सा आएंगे, पर अगर एक्चुअल में मेथड देखना है तो क्या करोगे? देखो क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर रूट को राइट साइड में ले जाओ, ये साइड में लेके। ठीक, अब क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव है राइट साइड, सम तो पॉजिटिव होता ही है, ये चीज भी क्या होगी? पॉजिटिव। तो राइट साइड भी क्या होगी? पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो क्या कर सकता हूँ मैं? स्क्वायर कर सकता हूँ दोनों साइड पे। दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिविटी होती है और स्क्वायर करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अगर दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। देखो स्क्वायर कर लेना आप लोग, क्योंकि इसका स्क्वायर किया तो एक्स माइनस सिक्स आ जाएगा। ये ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ये चीज आ जाएगी। जब ए प्लस होल स्क्वायर खोलोगे, इसको रीअरेंज करोगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक, अब फिर से क्या करना है? फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अभी भी स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को किसी भी हालत में, तो क्या करूंगा, 17 को इस साइड ले जाऊंगा, 17 को इस साइड ले जाऊंगा, तो 2x माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ गया। अब फिर से दोनों साइड क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा। स्क्वायर करने के लिए दो केस बनेंगे। देखो अब मुझे नहीं पता ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चीज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर देखो राइट साइड तो पॉजिटिव ही है, राइट साइड क्या है? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड का हमें पता नहीं है पॉजिटिव है या नहीं है। अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव हुई, अगर लेफ्ट साइड हुई तो क्या कर सकता हूँ मैं? दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ। दोनों साइड क्या कर सकता हूँ? स्क्वायर कर सकता हूँ। कि अगर मुझे पता लग गया कि 2x माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब 2x माइनस 17 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव राइट साइड तो पॉजिटिव है ही, तो क्या होगा, मैं दोनों साइड पॉजिटिव है दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। पर ये जो सॉल्यूशन आएगा वो कब किया मैंने? जब इस वाली क्वांटिटी को मैंने पॉजिटिव माना, 2x माइनस 17 को ग्रेटर देन 0। जब 2x माइनस 17 को मैंने पॉजिटिव माना, मतलब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 17 बाई 2। मतलब जब x की वैल्यू 17 बाई 2 से बड़ी होगी, 72 के बराबर या उससे बड़ी होगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर करके सोल्व कर सकता हूँ। सोल्व करके जो भी आंसर आएंगे और वो आंसर 17 बाई 2 से बड़े होंगे उन्हीं को रखा जाएगा, क्योंकि तो डोमेन डिफाइन करें ना कि मैं स्क्वायर कब कर सकता था इसका। इसका स्क्वायर तब कर सकता था जब दोनों ये चीजें पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव कब होंगी? जब 17 बाई 2 से बड़ी होगी। और जब इसको सोल्व करूंगा पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव को, कुछ आंसर आएंगे
वो आंसर जो 17/2 से बड़े आपको दिखेंगे उनको रख लिया जाएगा। एक केस तो ये आएगा। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस ये होगा, अगर मैं बोलता हूँ कि 2x-17 <0 है, अगर ये वाली क्वांटिटी लेस देन जीरो है, मतलब लेफ्ट साइड तो नेगेटिव हो, लेफ्ट साइड को मैंने बोल दिया नेगेटिव, राइट साइड क्या है? राइट साइड तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, ये चीज तो कभी हो ही नहीं सकती। तो ये वाला केस तो ले ही नहीं कि अगर 2x-17 <0 हो तो इसका कोई सोल्यूशन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या हो चुकी है नेगेटिव, राइट साइड क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव होता नहीं है, तो केस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी केस से आंसर आएंगे अपना, पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव कब? जब एक्स की वैल्यू 17/2 से बड़ी। जैसे ही 17/2 से एक्स बड़ा होगा तो आप पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव का स्क्वायर कर सकते हो, सो आंसर लेके आ सकते हो। जोन से आंसर आएंगे और जोन सी वैल्यू 17/2 के बराबर यहाँ से बड़ी होगी उन्हीं को रखा जाएगा। सोल्व करोगे तो दो आंसर आ जाएंगे 9 और 10, इसको सेटिस कर जाएंगे, तो इसलिए दो आंसर होंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। सभी का एक बच्चे का 9 आया था बस, तो नीचे से थोड़ा समझा दो। फर्स्ट मेथड भी एक्सप्लेन कर दो। फर्स्ट मेथड तो सबसे आसान था। फर्स्ट मेथड में क्या था कि x माइनस सिक्स को हमने डोमेन स्पेसिफाई की कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए 10 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो दोनों का एंड है बीच में, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना है, पूरे को सेटिस्फाई करना है, तो मतलब ये वाला पार्ट भी सेटिस्फाई हो, ये वाला सेटिस्फाई भी हो, तो दोनों की डोमेन सेटिस्फाई होनी, डोमेन के आगे 6 से लेकर 10 तक कि x की वैल्यू 6 से बड़ी और 10 से छोटी ही पुट कर सकते हो। साथ में उसने बोला है कि कौन कौन से इंटीजर इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं, कौन कौन से इंटीजर को सेटिस्फाई करते हैं, तो 6 से 10 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं? 6, 7, 8, 9 और 10, ये 5 वैल्यूज होती हैं जो इसको सेटिस्फाई हैं। तो इन्हीं के लिए आप हर एक वैल्यू पुट करके चेक कर लो कि कौन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, जो सेटिस्फाई कर देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। पेपर में आप ये अप्रोच लगा सकते हो अगर वो इंटीजर की बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ये इसको सेटिस्फाई करने वाले कौन से नंबर होंगे। फिर से स्क्वेयर रूट इन्वॉल्व्ड है, स्क्वेयर रूट इन्वॉल्व्ड होता है तो डोमेन चेक की जाती है पहले, इसकी डोमेन चेक करो, ये भी 3-x है, ये भी 3-x है, ठीक। ऐसे नहीं कर सकते आप कि भाई आपने देखा कि ये वाली फोटो और ये वाली फोटो तो इनको काट दो, काट सकते हो पर फिर भी आपको डोमेन तो चेक करनी पड़ेगी काटने से पहले कि ये एक रियल नंबर है भी है कि नहीं, क्योंकि रियल नंबर को ही कट किया जाएगा, यहाँ पे हम रियल नंबर की कर रहे हैं। तो रियल नंबर कब होगा? जब 3-x है जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 3-x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होना चाहिए? x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, मतलब जब जब x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी होगी तो ये डिफाइन होंगी दोनों टर्म्स। जैसे ये दोनों डिफाइन होंगी इनको कट कर दिया जाएगा। कब कट कर दिया जाएगा? जब x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी पुट की जाएगी, जब जब x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी पुट की जाएगी। अब क्या किया मैंने, मान लिया कि x 3 से छोटी ही पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी ही पुट कर रहा हूँ, तो इन दोनों को कट कर दिया। इन दोनों को कट किया तो सोल्व करके क्या आ गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पर मैंने तो क्या कहा है, तो इस क्वेश्चन को कट कर सकता हूँ, इन दोनों को कब कट कर सकता हूँ? वो कर सकता हूँ x की वैल्यू जब 3 या 3 से छोटी पुट करूँ। ये पुट करी तो कहता है कि सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 3 है बड़ी। अब वो कह रहा है कि कट तब कर सकते हैं जब 3 से छोटा पुट करोगे, और कह रहा है कि जब 3 या 3 से छोटा पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 या 3 से बड़ा होगा। तो ये दोनों चीजें कब आपसी नहीं कर पा रही है? दोनों आपसी सहमति कर पा रही है जब x को 3 पुट किया जाए, मतलब x इक्वल टू 3 ही इसको सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि 3 से छोटे के लिए डोमेन सेटिस्फाई होगी पर आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा, 3 से बड़े के लिए आंसर तो आ रहा है पर डोमेन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो गड़बड़ हो रहा है। दोनों कब आपसी सहमति कर पा रहे हैं? जब x इक्वल टू 3 होगा। जब x इक्वल टू 3 ये क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी? 3-3 0, ये भी क्या हो जाएगा? 3-3 0। बचेगा क्या? x 3 > 3, क्या 3 > 3 होता है? हाँ होता है। ये क्या कह रहे हैं? 3 की वैल्यू या 3 के बराबर या उससे बड़ी, बराबर तो है, तो ये चीज़ ठीक है, तो x इक्वल टू 3 थी आंसर। यह सिंपल है, क्वेश्चन के अंदर पहले डोमेन डिफाइन करनी है। डोमेन करने के लिए स्क्वायर रूट की क्वांटिटी है जो वो पॉजिटिव कर दो, 3-x > 0 कर दिया, ये मैंने कर दिया 3x - 3-x > 0, इसको सॉल्व किया तो x लेस देन इक्वल टू 3, तो x वैल्यू 3 या 3 से छोटी होगी, x की वैल्यू जब 3 या 3 से छोटी होगी तो ये डिफाइन हो जाएगी टर्म, ये चीज़ वैलिड हो जाएगी, डोमेन इसकी डिफाइंड है तो ये टर्म वैलिड है। तो अब इसको मैं, ये दोनों क्वांटिटी तो सेम है, इन दोनों को कट कर सकता हूँ। इन दोनों को कट किया तो क्या आ गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, पर डिफाइन कब के लिए थी? जब x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी थी, आंसर x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी। ये दोनों आपस में कब सहमति दे रहे हैं? आपस में दोनों कब सेटिस्फाई हो सकते हैं? जब x की वैल्यू 3 हो सकती है, क्योंकि ये कह रहा है x 3 से पीछे चलो, ये कह रहा है x 3 से आगे, दोनों कब सेटिस्फाई होंगे? जब x की वैल्यू 3 होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया हुआ x square minus 4 under root x square minus 1 less than 0, x square minus 4 under root x square minus 1 0, फिर से square root आया तो इसकी domain satisfy करनी पड़ेगी। देखो less than 0 है, equal to 0 नहीं है, equal to 0 कब हो सकता सर, equal to 0 तब आ सकता था, या तो ये number 0 बन जाए या फिर ये number 0 बन जाए। अब यहाँ पे इक्वल का निशान तो है नहीं, इक्वल का निशान नहीं है तो मतलब इसको जीरो नहीं हो सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं पाना, क्योंकि तो जैसे ही जीरो बनाएंगे तो लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगी और जीरो लेस देन जीरो होता नहीं है, जीरो लेस देन जीरो होता नहीं। अगर ये वाला सिंबल होता ना लेस देन इक्वल टू जीरो तो इसको भी जीरो बना सकते थे, इसको भी जीरो बना सकते थे। अब इन दोनों से किसी भी क्वांटिटी को हम जीरो नहीं बना सकते, ठीक। करना क्या है देखो, पहले तो डोमेन डिफाइन, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने कर दिया ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन को कर दिया ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डोमेन डिफाइन करनी है। फिर से मैं बोल रहा हूँ इक्वल नहीं किया, इक्वल क्यों नहीं किया, इक्वल करते एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, और हमें इक्वल टू जीरो तो बनाना नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैंने ग्रेटर देन जीरो रखा, इक्वल टू नहीं लगाया था आपने, इक्वल टू लगाने का फायदा नहीं है। इक्वल टू तब लगाऊ ना कि अगर मैं इस क्वान्टिटी को जीरो भी करना चाहता हूँ, हाँ स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वान्टिटी जीरो हो सकती है, पर इस क्वेश्चन के लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीरो करना मतलब लेफ्ट साइड को जीरो बना देना, जीरो बनाने का मतलब क्या है, जीरो लेस देन जीरो करना, तो फायदा ही नहीं उस चीज का। तो इसलिए मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होगा इसको सोल्व करूंगा तो ये ठीक ये वाली क्वांटिटी आ गई। उसके बाद देखो मतलब जब जब एक्स ऐसा होगा, जब जब एक्स ऐसा होगा इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर वन डिफाइन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिफाइन होगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, उस नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो मतलब ये क्वांटिटी तो जब मतलब काम में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डोमेन मैंने ये डिफाइन कर दी है, मतलब इसी के लिए मैं सेट क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, क्योंकि तो इसके अलावा मैंने एक्स की कोई वैल्यू पुट करी तो स्क्वायर रूट एक क्वांटिटी है जो जीरो या नेगेटिव हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता, ठीक। अब मुझे पता लग गया जब जब एक्स ऐसा होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, उस स्क्वायर रूट भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो मतलब स्क्वायर रूट का जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव, ये क्या आने वाला है, पॉजिटिव। अब मैं क्या कह सकता हूँ, पूरी इनइक्वालिटी किसी भी अगर मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूँ, पूरी इनइक्वालिटी को अगर मैं कभी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी इनइक्वालिटी को इस नंबर से डिवाइड कर दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन से। इस चीज से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि इस इन इन एक्स के लिए ये वाली क्वांटिटी हमेशा क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है, ये कुछ भी एक्सपुट कर दूं तो इससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस नंबर से डिवाइड कर दिया, इस पूरे नंबर से डिवाइड कर दिया तो आया क्या, ये नंबर डिवाइड किया तो जीरो के नीचे ये नंबर जाएगा तो ये क्वांटिटी तो अभी भी जीरो रहेगी। लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस टू से टू, माइनस टू से टू। मतलब हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन की डोमेन डिफाइन करी, डोमेन डिफाइन करने से पता चला कि इस क्वेश्चन को हम इन्हीं एक्स के लिए सोल्व कर सकते हैं। जब इन्हीं एक्स के लिए सोल्व कर सकते थे तो मुझे पता है ये नंबर पॉजिटिव हो चुका है, ये नंबर अगर पॉजिटिव हो चुका है तो इस नंबर से मैं पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर सकता हूँ, पूरी इनइक्वालिटी को इसे डिवाइड कर सकता हूँ तो मेरा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो। जब सोल्व किया तो आया मेरा एक्स की वैल्यू माइनस टू से टू, पर मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन को हम किसके लिए सोल्व करें, इसके लिए, इसके बाहर तो कहीं जाएंगे नहीं। अब आंसर क्या आया, माइनस टू। अब चेक करो इसका और इसका कॉमन पार्ट कौन सा है, दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा है, कौन सा भी इंटरसेक्शन आएगा वही आंसर आएगा, क्योंकि मैं माइनस टू से टू सारा कुछ नहीं रख सकता, माइनस टू से टू में वही वाला पोर्शन रखूंगा जो इसके अंदर लाई करेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को इसी के लिए सोल्व कर रहा हूँ, इसके लिए सोल्व कर रहा हूँ मतलब इसकी डोमेन डिफाइन होनी चाहिए। जब इसके लिए सोल्व कर रहा हूँ भी आंसर आए हैं वो इसके साथ इंटरसेक्शन देंगे डोमेन के साथ, तो इसके साथ आप इसका इंटरसेक्शन लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आ गया अपना, ये एक कह रहा था कि माइनस टू से लेके टू, और एक कह रहा था माइनस वन से लेफ्ट में चलो और वन से राइट में, माइनस टू से टू था ये और एक था माइनस वन से इधर वन से इधर, एक कॉमन पोर्शन तो कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, और एक कौन सा दिख रहा है, वन तक का दिख रहा है। तो आंसर क्या आया, माइनस टू से वन, माइनस टू से माइनस वन, यूनियन वन से टू। उसने पूछा था कितने इंटीजर आएंगे, उसने पूछा था कितने इंटीजर आएंगे, देखो इनमें कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा, इनमें कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
भी मैंने कल ग्रुप पे मैसेज डाला, फ्राइडे रात को 10 बजे तक अपने डाउट्स भेज देना। कोई कह रहा है कि संडे का पिछली बार वाला टेस्ट डिस्कस कर लो, आपको मेरे को क्वेश्चन भेजने थे कि उस टेस्ट के कौन से क्वेश्चन नहीं हुए आपसे, तो मैं वो डिस्कस कर लेता। आप लोगों को जब मैंने डेडलाइन दी है कि फ्राइडे रात को 10 बजे तक आपको मेरे को डाउट्स भेजने हैं, तो इसका मतलब क्या 10 बजे तक डाउट्स भेजने ही भेजने हैं आपको, ठीक है ना? क्योंकि सुबह 9 बजे क्लास है, तो आपको डाउट्स भेजने जब मैंने मैसेज डाला है ग्रुप, आपके जो उनसे भी इंडिविजुअल डाउट है आपको मेरे को भेजना है। क्लास डाउट क्लास का मतलब ये है ना कि आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप भेज दो और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और टाइम देने का मतलब भी यही था कि 10 बजे आप मुझे डाउट भेज दो रात को, और आप लोगों ने जिन जिन्होंने भेजा उसके क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। तो आप वो चेक करो, जब भी आपको डेडलाइन दी जाती है किसी चीज़ की, असाइनमेंट सबमिशन की या क्लास की टाइमिंग। अब ऐसा थोड़ी ना कि क्लास 9 बजे और आप 10 बजे क्लास अटेंड करने आ रहे हो, वो बात थोड़ी ना बनेगी। तो क्लास तो आप पूरे 9 बजे आ रहे हो, जब आपको असाइनमेंट या डेडलाइन दी जा रही है कोई, उसको भी फॉलो करो कि जो चीज़ आपको बोला है 10 बजे सबमिट करनी है तो 10 बजे सबमिट करनी है, फिर थोड़ी ना सबमिट करोगे। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, तो x की वैल्यू निकालो। देखो ये ऐसा ही दे रखा है कुछ कि मोड ऑफ a इक्वल टू मोड ऑफ b होता है, अगर मोड ऑफ a इक्वल टू मोड ऑफ b होता है तो a इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस b, a इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस b, ठीक। अब a इक्वल टू प्लस माइनस b होता है, इसका मतलब क्या है, मतलब इस वर्टिकल बार्स के बीच कौन क्वांटिटी है और ये वाली क्वांटिटी है, ये या तो b के बराबर हो जाए या माइनस साइन के बराबर हो जाए, तो दो केस लूंगा। या तो ये वाली क्वांटिटी है जो ये पूरी की पूरी, क्योंकि ये वर्ट बार है ये वर्टिकल बार है, इन दोनों के बीच में ये वाली चीज़ है, ये या तो इसके इक्वल हो जाए या इसके माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर इसके इक्वल हो जाए, दो केस बनेंगे। पहला केस ये पूरी की पूरी क्वांटिटी प्लस साइन के साथ x इक्वल टू माइनस थ्री कर दिया, प्लस x माइनस थ्री कर दिया, ये माइनस टू राइट में चल जाएगा, मोड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वन आ गया। अब मुझे बताओ अगर मैं बोलता हूँ मोड ऑफ a इक्वल टू a, मोड ऑफ a इक्वल टू a, ये कब हो सकता है जब a की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी हो, जीरो या फिर जीरो से बड़ी हो, क्योंकि जब नंबर पॉजिटिव होते हैं या जीरो होता है तभी वो एज इट इज खुल जाता है, अगर नेगेटिव होता है तो माइनस ए खुलता है, ये तो प्लस ए खुला है। तो मतलब मोड ऑफ ए माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अंदर वाला जो नंबर है ये पक्की बात है जीरो या जीरो से बड़ा होगा। जब ये नंबर जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो मतलब एक्स की वैल्यू वन या वन से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। एक केस तो ये हो गया, पहले केस से आंसर आ गया कि एक्स अगर वन या वन से बड़ा पुट करोगे, एक्स की वैल्यू जब वन या वन से बड़ी पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस होने वाली है, क्योंकि मैंने कहा था कि जब ऐसी चीज दी हुई है इसका मतलब a या तो b के बराबर हो जाए, और एंड नहीं है, और है, क्या है, और, तो वो इसके माइनस साइन के बराबर हो जाए, ठीक। मैंने एक केस ले लिया प्लस वाला लिया तो इसकी वैल्यू आ गई वन या वन से बड़ी। सेकंड केस, जब ये चीज माइनस ऑफ x माइनस थ्री की इक्वल होगी, माइनस वाला केस उठाया, ठीक, माइनस वन वाला अगर उठाया तो क्या होगा, आएगा मोड ऑफ एक्स माइनस वन, ये माइनस टू राइट में जाएगा तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पे केस बनेंगे, देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, नहीं एक दो तरीके कर सकते हो आप इसको, आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड स्क्वायर करके भी सोल्व कर सकते हो, वो आप लोग ट्राई कर लेना, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इजीली सोल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, केस बनाते हैं, इस मोड को खोलते हैं, इस मोड को एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे, जब जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, जब जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तो मोड इधर वाली क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, कैसी होगी, पॉजिटिव। तो ये मोड है जो पॉजिटिव साइन के साथ खुल सकता है जब जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, पढ़ा होगा आपने, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन, कब, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, इसको राइट साइड में तो माइनस एक्स प्लस फाइव ही है, इस पूरे को सोल्व किया, ये माइनस एक्स इधर जाएगा तो 2x, ये माइनस वन इधर जाएगा तो 5x इक्वल टू 6, आंसर कितना आया, x इक्वल टू 3। मैंने क्या बोला, जब जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी पुट करोगे तो उनमें से आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, सिर्फ x इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल टू 3 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 1 या 1 से बड़ा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपने केस बनाया जब जब आप x को 1 या 1 से बड़ा कर रहे हो उसको सोल्व करके आ रहा है x इक्वल टू 3, मतलब 1 या 1 से बड़े के अंदर कौन सा नंबर है x का जो सेटिस्फाई कर रहा है,
वो है थ्री, बात वही होगी कि थ्री और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू का इंटरसेक्शन लेना, तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है थ्री, ठीक। एक केस के लिए तो हम सब जो थ्री है वो सेटिस्फाई कर रहा है, कि थ्री वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, कब, जब एक्स की वैल्यू वन या वन से बड़ी पुट करके हमने मोड को हटा के ऐसे लिख दिया। दूसरा केस, जब एक्स की वैल्यू वन से छोटी होगी, जब एक्स की वैल्यू वन से छोटी होगी उस केस में क्या होगा, केस में जो मोड है जो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव। इसको सोल्व किया आ गया वन इक्वल टू फाइव। अब वन इक्वल टू फाइव तो कुछ होता नहीं है, गलत चीज़ है, तो मतलब एक्स की वैल्यू वन से छोटी आप पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स की वैल्यू वन से छोटी जब आप पुट कर रहे हो तो बात नहीं बन पा रही, सोल्व करके क्या वन इक्वल टू फाइव, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो फाइनली क्या हुआ, दो केस बने थे अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, प्लस ए और प्लस बी माइनस बी वाला। प्लस ए से आंसर आ गए थे एक्स की वैल्यू बनी आया वन से बड़ी, तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाले सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेंगे। और केस टू से अपना ए की आंसर आया है, केस टू से अपना आंसर क्या आया, थ्री, जब ए इक्वल टू माइनस बी रखा तो थ्री सेटिस्फाई कर रहा था, और जब ए इक्वल टू प्लस बी रखा तो वन या वन से बड़ा सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। तो दोनों का यूनियन लिया जाएगा इस केस में, क्योंकि दो डिफरेंट केसेस हमने सोल्व किए ना, कि ए बी के इक्वल भी हो सकता है वो वाली चीजें भी रखेंगे, और ए इक्वल टू माइनस बी होगा वो वाली चीजें भी रखेंगे, ए इक्वल टू प्लस बी होगा तो उसमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन था तो उन सबको रख लिया, और जिसमें ए इक्वल टू माइनस बी था उसमें थ्री आया उसको भी रखना है क्योंकि वो भी सेटिस्फाई कर रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनियन, इन दोनों का यूनियन कितना आ जाएगा, वन से लेके इन्फिनिटी, वन से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे केसेस बना के किया जाता है क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये वाला दिया हुआ है, देखो फिर से नीचे क्या आ गया, स्क्वेयर रूट आ गया, स्क्वेयर रूट है तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा, स्क्वेयर रूट है तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो एट माइनस एक्स क्यूब को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो भी नहीं कर सकता हूँ, जैसे ही अगर स्क्वेयर रूट के अंदर जीरो आया तो स्क्वेयर रूट तो डिफाइन हो जाएगा, पर स्क्वेयर रूट तो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती है। तो एट माइनस एक्स क्यूब को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो, एट माइनस एक्स क्यूब को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स क्यूब माइनस एट को क्या करना पड़ेगा, लेस देन जीरो, मतलब x क्या होगा, लेस टू, x क्या होगा, लेस देन टू, ठीक है। जैसे ही x लेस देन टू होगा तो स्क्वायर रूट डिफाइन हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट डिफाइन हो गया मतलब ये क्वांटिटी को मैं राइट साइड में लेके जा सकता हूँ, इसको राइट साइड में लेके जा सकता हूँ क्योंकि पॉजिटिव नंबर रहे है। अब ये पॉजिटिव नंबर हो चुका हुआ है तो दोनों साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मुझे ये क्लियर हो जाता है कि कोई नंबर हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है तो उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर लेके जा सकता हूँ, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो जैसे ही एक्स लेस देन टू हुआ तो स्क्वायर की क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर चल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन कब हम सोल्व करेंगे, अब डोमेन आ गई है, एक्स की वैल्यू दो या दो से छोटी ही पुट करनी है हमेशा, ठीक। जैसे ही मैं उसको राइट साइड में लेके गया तो क्या हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी को इधर ले, तो ये क्या आ गया, ये आ गया, ठीक। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करके जो भी आंसर दो या दो से छोटे होंगे उन्हीं को रखा जाएगा क्योंकि डोमेन तो ये है। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, देखो सबसे छोटा तरीका सिखाता हूँ इसको करने का, इस माइनस ऑफ मोड को राइट साइड में ले जाओ, ले गए। अब ये क्या है, मोड ऑफ सी भी नंबर का मोड क्या होता है, पॉजिटिव, ये भी एक नंबर का मोड है, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव, ये दे रखा है। अगर पॉजिटिव इनइक्वालिटी पॉजिटिव है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ, और आपको अच्छे से पता होगा कि मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर, मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसी भी मोड, किसी भी नंबर के मोड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उस नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मुझे केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो दोनों साइड डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, क्योंकि पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वालिटी पे। फिर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन किसके लिए सोल्व किया जा रहा है, एक्स लेस देन टू के लिए, जो भी आंसर आएंगे दो से पीछे के ही देखेंगे, दो से आगे के देख नहीं सकते, डोमेन बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर किया तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा, मतलब मोड का स्क्वायर किया, मोड का स्क्वायर किया तो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस टू का स्क्वायर कर दिया,
और इधर x का स्क्वायर कर दिया। x प्लस टू का होल स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को पूरे को सोल्व किया तो x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x ग्रेटर देन माइनस वन। ये तो कह रहा था कि दो से छोटे होने चाहिए आंसर, ये कह रहा माइनस वन से बड़े जितने भी आ रहे हैं उनको रख लो। अभी ना रख सकते हैं, कितने रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनस वन से लेके दो तक, क्योंकि कह रहा है कि नंबर लाइन पे देखो, ये कह रहा है माइनस वन से सेट चलो और ये कह रहा है दो से सेट चलो। इधर माइनस वन पे इक्वल है तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट, इधर कह रहा है दो से पीछे चलो, दो से पीछे चले तो इधर गए ओपन ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन से टू। देखो भाई क्वेश्चन में ना कुछ ज्यादा होता नहीं है, आपको बस प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, आपको डोमेन देखनी आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कब स्क्वायर कर सकते हैं, साइन चेंज होता है कब साइन चेंज नहीं होता। देखो कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना दुनिया का, कई वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, अगला पढ़ोगे फंक्शन पढ़ रहे हो, अगला पढ़ोगे आप लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ोगे, फिर फंक्शन पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक पढ़ोगे, हर एक चैप्टर के अंदर 10-15 बातें होती हैं, अगर वो दिमाग में फिक्स हो जाए ना तो बस उन्हीं के अराउंड अगर आप ना भी शुरू कर दो तो ज्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते ही हैं जो प्रैक्टिस से आते हैं, पर ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर तो ऑब्जर्वेशन आपको होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे को दिख गया कि मोर ग्रेटर देन मोर है, अब भाई किसी के दिमाग में ना है कि भाई पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो स्क्वायर ना करेगा, केसेस बनाने बैठ जाएगा, केसेस बनाओगे तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बेटर ये है कि दिमाग में रखो चीजों को, क्वेश्चन जो भी लाइन लिखी हुई है उसको देखना आना चाहिए आपको, कि जो लाइन लिखी हुई है इसका मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या करने से ये ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे नहीं है, देखो करने के तरीके तो पांच होते हैं, छह होते हैं, सात होते हैं, अब ये थोड़ी ना कि वो सारे के सारे एक ही रास्ते पे लेके उतने टाइम में करके देंगे। कोई क्वेश्चन हो सकता है 10 मिनट में करे, कुछ हो सकता है 6 मिनट में, अगर मैं इस क्वेश्चन को केसेस बनाने लग जाऊँ तो हो सकता है मेरे 3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते, और यहाँ पे मुझे पता है स्क्वायर करने से अंदर हो गया क्वेश्चन। तो आपको भाई वो चीजें दिमाग में रखनी है कि कब मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। जब वो चीजें दिमाग में फिक्स हो जाएंगी आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, नंबर क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर के अंदर। पेपर में तो दोनों चीजें मैटर करती हैं, स्पीड भी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी, तो आपको ये सारा कुछ देखना आना चाहिए ना। तो प्रैक्टिस ये सारी चीजें आती हैं, तो आपको जितने भी क्वेश्चन आप कर चुके हो उनको आप दोबारा करो, कोई छोटा रास्ता अपनाने की कोशिश करो। अब वो ऑब्जर्व करना कि पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव स्टेप पे हो रहा था कि मैं स्क्वायर करूँ तो वहाँ पे क्या पता टाइम बच जाए, अब आपका वहाँ पे ठीक है क्या पता आपने केसेस बनाए हो वहाँ पर, तो आपको वो सारी चीजें देखनी है हमारे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब देखो कितने छोटे तरीके से हो सकता है। एक तरीका कि केसेस बनाऊंगा मैं, इसको तोड़ दूं डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना के, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये भी मोड है, ये भी मोड है, मोड है, मोड है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, डायरेक्टली स्क्वायर कर देते, कर दिया स्क्वायर भाई, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलोगे रीअरेंज करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जैसे ये क्वाड्रेटिक बनी, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आप सोच सकते हो, चलो नहीं सोच सकते तो आप ये वाले मेथड से तो निकाल ही लेते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाले मेथड से, इससे रूट्स आ जाएंगे इसके आगे 5, 1/3 मतलब इसके जो दो रूट्स हैं या फिर इसके दो फैक्टर हैं वो मैं निकाल सकता हूँ, इसके दो फैक्टर बनेंगे क्योंकि रूट्स इसके आगे 5 एंड 1/3 तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब ये क्योंकि इसके दो फैक्टर कौन कौन से आए हैं, इस वाली साइड के दो फैक्टर कौन कौन से आए हैं, 5, 1/3 इसको लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 5 लेस 0। जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरा क्वेश्चन तो बन गया, ये नंबर लाइन पे मैं बना दूंगा यहाँ पे, एक 1/3 और एक 5। नंबर क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि पता ही होगा कोई लेस देन 0 है तो इन दोनों के बीच में जाओगे 1/3 से लेके 5 तक, ये आपका आंसर आया है। देखो क्वेश्चन कितना छोटा हो रहा, छोटा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ऑब्जर्व कर लिया, क्या ऑब्जर्व कर लिया कि पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होता है तो मैं स्क्वायर कर सकता हूँ दोनों साइड पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट साइड में पॉजिटिव है, ऊपर का नंबर पॉजिटिव है, नीचे के नंबर के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, x प्लस टू है वो तो x पे डिपेंड करेगा कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, नीचे वाला नंबर तो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है या फिर
नेगेटिव है, ऊपर वाला गारंटीड है कि पॉजिटिव है। दो तरीके से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, या तो इसके केस बनाओ कि x माइनस वन को ग्रेटर देन जीरो रखोगे तो ये मोड को खोल दोगे, या फिर x माइनस वन को लेस देन जीरो करोगे तो माइनस के साथ खोलोगे, दो केस बनाओगे सोल्व करोगे, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो करने का, वो वाला तो आप कर ही लोगे, दूसरा तरीका देखो। मैं क्या बोलता हूँ, अगर नीचे वाला अगर मेरा पॉजिटिव हुआ, नीचे वाला नंबर अगर मेरा पॉजिटिव हुआ, केस बना रहा हूँ इफ डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, फिर क्या कर सकता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों साइड को x प्लस टू से, क्योंकि तो अगर मुझे पता लग गया कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ। अगर मेरे को पता लगा कि डिनोमिनेटर नेगेटिव है तब भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दूंगा। देखो दो चीजें हैं, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, पर ये याद रखो कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए उस केस में। और अगर x प्लस टू डिनोमिनेटर हमेशा ही नेगेटिव है तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं केस बना रहा हूँ डिनोमिनेटर को सोचते हुए, ठीक केस बनाइए। ये देखो मैंने बोला अगर इफ x की वैल्यू माइनस दो से बड़ी हो, मतलब कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, मतलब x प्लस टू जो हो ग्रेटर देन जीरो हो, x प्लस टू अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। डिनोमिनेटर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर गया तो ये बन जाएगा मोड ऑफ x माइनस वन ग्रेटर देन x प्लस टू। ठीक, अब आपसे सुनना एक बात मेरी, मैंने ये चीज मानी थी तभी ये वाला स्टेप कर सका था क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, मेरा मतलब इसको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा और आंसर इसके अंदर लाई करेगा उसी को रखूंगा, क्योंकि तो ये वाला स्टेप मैं तभी कर पा रहा हूँ जब मैंने इसको कंसीडर किया तभी तो बोला डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तभी तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाया, और जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये चीज आ गई। ये चीज कब आई, जब ये माना मैंने, जब ये चीज को कंसिडर किया मैं नीचे पहुंच पाया, तो जो भी आंसर इसके अंदर लाई करेंगे उसी को रखा जाएगा। ठीक, तो इस चीज का अभी क्या है, लेफ्ट साइड तो मोड है पॉजिटिव है, मैंने भाई डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव माना था तो राइट साइड में ये नंबर जाके ये भी पॉजिटिव हो रखा है, अब पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो अब मैं स्क्वायर कर सकता हूँ दोनों साइड, क्योंकि मैंने ये इसको यूज कर लिया हुआ है और मेरे को पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव मिल चुका हुआ है, अब पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर डालो दोनों साइड, स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर खुल जाएगा ये आ जाएगा, इसका भी ये होल स्क्वायर लगाओगे तो ये आएगा, सोल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई टू से छोटी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई टू से छोटी। पर इसने तो कहा था कि एक्स की वैल्यू माइनस दो से बड़ी होनी, माइनस दो कहां पर होता है, यहां पर, माइनस हाफ कहां पर होता है, यहां पर। ठीक, एक नंबर कह रहा है कि माइनस टू से बड़ा रखो, दूसरे वाला कह रहा है कि माइनस हाफ से पीछे चलो, तो क्या करोगे, ये वाला पोर्शन रख लिया जाएगा माइनस दो से माइनस हाफ वाला, माइनस दो से माइनस हाफ वाला रखा जाएगा। तो पहले केस से तो आंसर ये आ गया कि जब डिनोमिनेटर हमने पॉजिटिव माना तो अपने ये वाली जो वैल्यूज आई है माइनस टू से माइनस वन ये सेटिस्फाई कर जाएंगी और इसके ये सॉल्यूशन में कंसीडर की जाएंगी, क्योंकि इसको आंसर है, ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा जब डिनोमिनेटर नेगेटिव कंसिडर करूंगा, जब नेगेटिव कंसिडर करूंगा, जब ये डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में अभी भी कर सकता हूँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। ठीक, अब देखो केस टू, जब मैंने उसको मान लिया कि x प्लस टू है, जो x प्लस टू है जब लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है वो क्वांटिटी, x प्लस टू क्या है लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, मतलब x क्या हुआ लेस देन माइनस टू, जब x लेस देन माइनस टू हुआ तो ये चीज पे आओगी नेगेटिव, नेगेटिव हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इनइक्वालिटी का साइन बदल दिया, वहां ग्रेटर दिया हुआ था यहाँ पे मैंने लेस देन कर दिया, अब क्या किया स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये चीज भी पॉजिटिव है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब मेरी बात सुनो, छोड़ो दूसरे स्टेप को तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो जब मैंने बोला x प्लस टू नेगेटिव है, x प्लस टू नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस टू नेगेटिव है तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कहां पर पहुंच गया मैं, यहां पर पहुंच गया, इनइक्वालिटी का साइन बदला, इनइक्वालिटी का साइन बदला। अब ये बताओ ये क्वांटिटी तो नेगेटिव थी ना मेरी, ये क्वांटिटी नेगेटिव थी तो लेफ्ट साइड क्या है पॉजिटिव, तो क्या ऐसे हो सकता है क्या पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव होता है क्या कभी, पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव हो सकता है क्या कभी, ये चीज तो हो ही नहीं सकती, ये स्टेप भूल जाओ ये गलत है।
ये मत देखना, क्या पॉजिटिव लेस से नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। ये केस पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि तो जब एक्स की वैल्यू माइनस दो से छोटी होगी तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो रहा है। डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया तो आप खुद ही सोचो, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये भी मत सोचो सिर्फ क्वेश्चन ही देख लो डायरेक्ट, आप उसके अंदर ही फील आ जाएगी। जैसे देखो मैंने बोला अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हुआ, डिनोमिनेटर नेगेटिव हुआ, न्यूमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। क्या पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव जो होता है वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है ना। राइट साइड में क्या है? वन। क्या नेगेटिव ग्रेटर देन वन कभी होगा क्या? नेगेटिव ग्रेटर देन वन होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो एक्स प्लस टू को तो नेगेटिव हम कभी कर ही नहीं सकते। एक्स प्लस टू जैसे नेगेटिव आएगा तो लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली चीज हमेशा पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता। ये वाला केस तो हम लेंगे नहीं। तो अपन केस करेंगे जब एक्स की वैल्यू माइनस दो से बड़ी होगी। उसके लिए हमारे आंसर आ चुके हैं माइनस वन बाय टू से हाफ, माइनस वन बाय टू से हाफ, सॉरी माइनस वन बाय टू से टू। क्या था क्वेश्चन? एक सेकंड, क्या आया था आंसर? नीचे आंसर आया था माइनस टू से माइनस हाफ। आंसर आएगा माइनस टू से माइनस हाफ, क्योंकि ये वाला केस तो फायदा नहीं लेने का। डिनोमिनेटर नेगेटिव होती ही लेफ्ट साइड पूरी नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता। ये वाला केस कंसीडर ही नहीं करेंगे। इस वाले केस से जो आंसर आए माइनस टू से माइनस हाफ उसको रख लिया जाएगा। बताओ समझ आया चैट में? भाई नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर है अगर, तो नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है बस, इससे ज्यादा क्वेश्चन ना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखो, इसके अंदर के नंबर को अगर ए मानो, इसके नंबर को अगर बी मानो, ये वाली जो चीज दे रखी है ना a माइनस बी की फॉर्म की दे रखी है। 2x माइनस 3 में से अगर x प्लस 5 हटाओगे तो क्या आएगा? a माइनस बी करोगे ना दो नंबर का, तो x माइनस 8 आएगा। तो ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो इनइक्वालिटी दे रखी है वो ऐसी दे रखी है, ठीक है, वो इस तरीके की दे रखी है। मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b लेस देन इक्वल टू a माइनस बी। 2x माइनस 3 में से x प्लस 5 हटाओगे तो x माइनस 8 आता है, ठीक ही आएगी। मुझे बात कहो, लेफ्ट साइड कभी भी छोटी नहीं हो सकती है। देखो ये मोड लगा है, मोड ऑफ ए पॉजिटिव, मोड ऑफ बी पॉजिटिव, लेफ्ट तो हमेशा ही जुड़ेगी आपस में, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मोड ऑफ ए एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मोड ऑफ बी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ते हैं। तो जब वो पॉजिटिव जुड़ते हैं तो लेफ्ट साइड की आती है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लेस देन तो कभी हो ही नहीं सकती राइट साइड से, क्योंकि ये वाले नंबर तो कभी कभी ऐड होंगे, कभी कभी सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर ए और सेम साइन के हुए तो ये तो घट जाएंगे, ये क्या होंगे? घट जाएंगे। और ए और बी अगर ऑपोजिट साइन के हुए तो जुड़ जाएंगे। अगर ये जुड़ेंगे तो इन दोनों के बराबर आ सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। पर अगर ये ऑपोजिट साइन के हुए तो राइट साइड तो हमेशा छोटी ही हो पाएगी, ये घट सकती है, बढ़ नहीं सकती इन दोनों से, क्योंकि तो ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव हो रही है, और ये चीज़ घट सकती है तो ये चीज़ कम हो सकती है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड से कभी कम तो हो ही नहीं सकती, लेफ्ट साइड राइट साइड से कभी कम तो हो ही नहीं सकती, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकती है। तो हम लेस देन वाला केस तो कंसिडर ही ना करेंगे, क्योंकि लेस देन वाली तो चीज़ कभी होल्ड ही नहीं कर रही। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये वाली चीज़ है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि हम इसके लिए सोल्व करना है इक्वल वाले पोर्शन के लिए, इसके लिए इक्वल वाले पोर्शन के लिए इसको हमें सोल्व करना है, ठीक। अब इक्वल वाले के लिए सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करें, ये चीज़ आ जाएगी। देखो अब आप खुद ही सोचो, आपने पढ़ा होगा कि मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी कब होता है? मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी कब हो सकता है? जब ए और बी ऑपोजिट साइन के हो या दो में से कोई एक नंबर जीरो हो जाए। अगर ए जीरो हुआ, अगर ए हुआ तो यहाँ से क्या बचेगा? मोड ऑफ बी। यहाँ से भी ए जीरो हुआ तो क्या बचेगा? मोड ऑफ माइनस बी। मोड ऑफ माइनस बी तो कितना ही होता है? मोड ऑफ बी होता है। लेफ्ट साइड से भी मोड ऑफ बी, राइट साइड से भी मोड ऑफ बी, तो दोनों बराबर। सिमिलरली अगर b जीरो हुआ तो मोड ऑफ a इक्वल टू मोड ऑफ a, तब भी ठीक, मैं क्या कह सकता हूँ। और दूसरी बात, अगर a और b ऑपोजिट साइन के होंगे, a और b अगर ऑपोजिट साइन के होंगे तो उससे होगा क्या? अगर ये 2 हुआ, ये माइनस 3 हुआ, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, और ये मोड ऑफ 2 तो 2 ही होता है, माइनस 3 का मोड कितना? 3, तो ये भी 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5, मतलब ऑपोजिट साइन का होना चाहिए। अगर सेम साइन का होगा तो बात ही ना बनेगी, क्योंकि अगर सेम साइन का हुआ, मान लो ये 5 हुआ और ये 4 हुआ, ये तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 1, ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो ए और बी या तो लेस देन जीरो प्रोडक्ट कर दे, मतलब ऑपोजिट साइन क्यों नहीं चाहिए,
इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि ए और बी ऑपोजिट साइन पे होने चाहिए, मतलब ए और बी मल्टीप्लाई होकर लेस देन जीरो होना चाहिए। एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो पक्की बात है प्रोडक्ट क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। और दो में से कोई एक नंबर जीरो हो जाए तब भी चलता है, तो इसलिए इक्वल टू का साइन भी चलेगा। इक्वल टू का साइन चलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए की वैल्यू तो पता है, बी की वैल्यू पता है, ए कितना है 2x-3, बी कितना है x+5, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व कर लो नंबर लाइन से, इसको नंबर लाइन से सोल्व करोगे तो क्या होगा, नंबर लाइन से सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो सोल्व करोगे तो आंसर ये आ जाएगा -5 से लेके 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे रखे हैं एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ध्यान से देखो स्क्वायर रूट के अंदर कौन है, 1 माइनस मोड एक्स, 1 माइनस मोड एक्स। तो जो डोमेन है डोमेन डिफाइन करनी पड़ेगी, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस मोड एक्स ग्रेटर देन 0, तो मोड एक्स लेस देन 1 आ गया, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मतलब एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 तक है। एक्स की वैल्यू क्या है, -1 से लेके 1 तक। तो पूरे क्वेश्चन को हम -1 से लेके 1 तक देखेंगे, -1 से लेके 1 तक ही एनालाइज करेंगे। अब करना क्या है, अब इम्पोर्टेंट चीज करनी है, वो चीज स्क्वायर रूट को एक साइड रख लिया, दूसरे को राइट साइड में ले आया, इसको रीअरेंज करा तो ऐसे ठीक ऐसे रख दिया। अब ध्यान से देखो, एक साइड स्क्वायर रूट है, एक साइड स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट हटाना स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर करने के लिए मुझे पता होना चाहिए, अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव होता है तो स्क्वायर करके इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर नेगेटिव आता है तो फिर एनालाइज किया जाता है, मतलब अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा तभी स्क्वायर किया जाएगा, तभी स्क्वायर किया जाएगा। तो मेरे को एक्स को यहाँ पे अगर पॉजिटिव रखा तभी मैं स्क्वायर करूंगा। अब मुझे इतना पता है कि डोमेन मेरी ये है -1 से लेके 1 तक। अब बताओ, अब सारे के सारे एक्स तो मैं यहाँ पे रख नहीं सकता और स्क्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स नहीं भी है, जो एक्स अगर नेगेटिव रखा मैंने यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं कर पाऊंगा। स्क्वायर रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका पॉजिटिव वाला पार्ट रखना पड़ेगा अलग से और नेगेटिव वाले को अलग से कंसिडर करना पड़ेगा। तो दो हिस्सों में तोड़ दूंगा इस एक्स को मैं, एक हिस्सा तोड़ दिया 0 से 1 के लिए एनालिसिस करने के लिए, और दूसरा हिस्सा तोड़ दिया जब 0 से लेके -1 तक है। दोनों को अलग तरीके से ट्रीट आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के लिए दोनों साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जब 0 से 1 के बीच में रखा मैंने एक्स को, मेरी राइट साइड क्या मैंने कंसिडर कर दी, पॉजिटिव, क्योंकि मेरा आंसर मुझे पता है -1 से 1 के बीच में ही ढूंढना है मेरे को, क्योंकि डोमेन ही -1 से 1 तक है, तो इसी डोमेन के लिए मैं काम करूंगा। इस स्टेप पे आके मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा तो डोमेन का पॉजिटिव हिस्से के लिए मैं स्क्वायर कर लूंगा और चेक कर लूंगा कि कौन सेटिस्फाई करता है। देखो अब मैंने मान लिया जब एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक है, तो गारंटीड क्या हो चुकी है मेरी, ये चीज गारंटीड क्या हो चुकी है मेरी, पॉजिटिव हो चुकी है। अब पॉजिटिव हो चुकी है तो दोनों साइड में क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, तो लेफ्ट साइड से क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, राइट साइड से क्या हो जाएगा x2। अब मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे मोड एक्स था ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो इस एक्स स्क्वायर को भी मैंने क्या लिख दिया, मोड एक्स का स्क्वायर। ये सारा कुछ मोड में बन गया। अब क्या करोगे आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक बन गया ना, रूट्स निकाल के इसका सोल्व कर लेना। होगा क्या, जोन से भी आंसर आएंगे इसके, जोन से भी आंसर आएंगे, और जो 0 से 1 के बीच में होंगे, जो 0 से 1 के बीच होंगे उनको आप रख लोगे। क्यों रख लोगे, क्योंकि आपको तो 0 से 1 के बीच में चाहिए आंसर, और नीचे वाली क्वेश्चन को सोल्व करके बहुत सारे आंसर आ गए, उन सबको थोड़ी ना रखोगे, उन्हीं को रखोगे क्योंकि 0 से 1 के बीच में आप स्क्वेयर कर पाए थे, दोनों साइड का स्क्वेयर तभी कर पाए थे जब वो नंबर पॉजिटिव था। तो नीचे से सोल्व करके आंसर आंसर आएंगे आपके, वो जो आंसर 0 से 1 के बीच में आएंगे आप उन्हीं को तो रखोगे, ऐसे थोड़ी ना कि इसके बाहर वाले आंसर को रख लोगे, उसके बाहर रखोगे तो ये चीज पॉजिटिव हो ही नहीं पाएगी या इसकी डोमेन बिगड़ जाएगी। हमें डोमेन भी नहीं, इसको पॉजिटिव भी रखना है, तो जो उनसे आंसर इससे आएंगे और जो 0 से 1 के बीच में होंगे आप उनको रखोगे। एक केस तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा केस देखो, जब एक्स की वैल्यू -1 से होगी, जब एक्स की वैल्यू -1 से 0 होगी, उस केस में क्या होगा, देखो मेरी इनइक्वालिटी ये थी, मैंने इसको ये लिख दिया, दोबारा लिख दिया यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, जब एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, ध्यान से देखो लेफ्ट साइड तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है, और राइट साइड तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव हो गया, राइट साइड तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड मैंने बोला है कि एक्स की वैल्यू -1 से 0 तो है ही, लेफ्ट साइड मैंने खुद ही डिक्लेयर कर रखी है नेगेटिव, और राइट साइड तो हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव तो हमेशा ही होता है, मतलब जब जब एक्स की वैल्यू 0 से -1 के बीच में है तो नेगेटिव लेस देन पॉजिटिव बन रहा होगा। ठीक है, तो
जब नेगेटिव लेसन पॉजिटिव हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, ये चीज ये वाले नंबर हमेशा इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इस क्वालिटी को हमेशा सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अगर ये नंबर इसको हमेशा सेटिस्फाई कर रहे हैं तो माइनस वन से जीरो तो इसका हमेशा आंसर होगा, माइनस वन से लेके जीरो तक हमेशा इसके आंसर कंसिडर करेंगे। और जब एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में कंसिडर करी थी, जो भी आंसर यहाँ से आएंगे उसका इसके साथ यूनियन कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, यूनियन के बीच में क्या था, और क्यों था, हमने दो हिस्सों में क्वेश्चन को सोल्व किया, हमने जीरो से वन के बीच में ढूंढने की कोशिश करी आंसर, एक बार हम गए जीरो से वन के बीच में देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है, फिर अलग रास्ते पे गए कि माइनस वन से जीरो पे कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखा ये तो सारी सेटिस्फाई कर जाते हैं तो इनको तो रख ही लेंगे, साथ में जीरो से वन के बीच में जो जो सेटिस्फाई कर रहा है रख लेंगे, यहाँ से जो मिलेगा उसको भी रख लिया जाएगा, जो यहाँ से मिलेगा उसको भी रख लिया जाएगा, दोनों का क्या कर दिया जाएगा, यूनियन, क्योंकि हम तो ढूंढ रहे हैं कि इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये नंबर तो सारे के सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसमें से भी जो सेटिस्फाई कर जाएगा उसको भी रख लेंगे, दोनों को रखेंगे तो क्योंकि और है ना बीच में, हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ा, इसके लिए भी सोल्व किया इसके लिए भी सोल्व किया तो दोनों से जो जो आंसर आ रहे उनको हम रख लेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये देखो पूरा आगे मैंने सोल्व किया हुआ है, अगर आप सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा पूरा सोल्यूशन, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये क्वेश्चन हैं, देखो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं आपके, एक काम करो, अभी जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, अभी बाकी जो आपके पेंडिंग डाउट्स हैं आपको मैं सोल्यूशन तो सारे दे ही दूंगा, बाकी जो भी आपके पेंडिंग डाउट्स हैं, अच्छा एक क्वेश्चन ना नीचे और था, मैं आपको बताता हूँ, आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, जो सोल्यूशन मिले होंगे ना ये वाला, देखो अब बस इस स्टेप को समझो, अगर मैं कहता हूँ मोड ऑफ एक्स माइनस, आप क्वेश्चन को मत देखो बस इस स्टेप को समझते हैं इसका मतलब क्या, देखो इस स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड माइनस दो से बड़ी होनी चाहिए, अब मुझे बताओ लेफ्ट साइड क्या है, मोड है, लेफ्ट साइड क्या है, मोड है, लेफ्ट साइड क्या है, मोड, मोड क्या होता है हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा, राइट साइड में परमानेंट क्या है, माइनस टू, राइट साइड में क्या परमानेंट, माइनस टू, लेफ्ट साइड हमें गारंटीड है कि जीरो या जीरो से बड़ी होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट साइड हमेशा ही माइनस टू से बड़ी आने वाली है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कौन है, मोड है, मोड तो हमेशा ही जीरो या जीरो से बड़ा होता है, तो इसको हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हमें सोल्व नहीं करना, ये स्टेप्स नहीं करने, आपको क्या करना है यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्व करके आप बोल सकते हो इसको सारे दुनिया के एक्स सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, इस स्टेप के लिए देखो आया तो यहाँ पर है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली लिखो, आपको क्या लिखना है, डायरेक्टली लिखना है कि दिख रहा है कि लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ग्रेटर देन माइनस टू होता ही होता है, तो मैं सोल्व क्यों करूँ, मैं तो बोलूँगा कुछ भी एक्सपुट करो, एक्स तो रियल आ जाएगा, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो आप यहाँ से सेटिस्फाई करवा लेना अपने क्वेश्चन को, आपको सोल्यूशन तो मिले हुई है।